क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे बच्चे जो जेलों में डाले गए हैं वो किसी क्राइम की वजह से नहीं है, ये तो उनकी ऐसी लड़ाई है जो आगे आने वाली नस्लों के लिए लड़ी जा रही है। लेकिन अब जुडिशरी में भी जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के अभी जो लगातार कई फैसले आए हैं, वो फैसलों से समाज में निराशा पैदा हो रही है। केस जो है वो तो पूरा का पूरा झूठ पर बेस्ड है, उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो बेसलेस हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि भाई जुडिशरी कितनी नाइंसाफ़ी करेगी, बिलाखिर समझ में आएगा ना कि भाई इनके खिलाफ है क्या सबूत। लेकिन अब केस हाई कोर्ट में है तो हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से फैसला हमारे हक में आएगा। एक स्पीच है अमरावती की जो वेलफेयर पार्टी के प्रोग्राम में दी गई थी, उस स्पीच को भी ये साबित नहीं कर सके कि उसमें कोई चीज़ एंटी नेशनल है। दो हज़ार बीस के शुरुआत में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, सीए आंदोलन, जिसमें कहा जा रहा था कि मुसलमानों के अस्तित्व का सवाल है। उसी की लड़ाई लड़ रहे थे उमर खालिद, जो पिछले दो साल से, लगभग दो साल से जेल में हैं। आज उनकी वालिदा, उनकी अम्मी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। मैम, कैसा लगता है जब उमर खालिद पिछले दो साल से लगातार जेल में हैं, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, उमर को अभी दो साल कम्प्लीट होने वाले हैं। ज़ाहिर है कि फैमिली के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है, और हमारे घर में होने वाली कोई भी खुशी की चीज़ हो या कुछ हो तो हम उमर को बहुत 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 ज़्यादा मिस करते हैं। और उमर का यही कहना है कि आप ज़िंदगी चलते रहनी चाहिए, आप मुझे माइनस करके कोई भी चीज़ को सोचा करिए, क्योंकि बहरहाल वो जेल में है और जेल की ज़िंदगी अलग है और बाहर की ज़िंदगी अलग है। लेकिन जिस तकलीफ़ से हम गुज़र रहे हैं वो तो है अपनी जगह, लेकिन हम हिम्मत के साथ भी हैं, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे बच्चे जो जेलों में डाले गए हैं वो किसी क्राइम की वजह से नहीं है, ये तो उनकी ऐसी लड़ाई है जो आगे आने वाली नस्लों के लिए लड़ी जा रही है। तो हम उनकी सपोर्ट में हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनकी हिम्मत हैं और वो हमारे लिए हिम्मत हैं। कभी जैसे उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं UAPA के, तो क्या कभी रिग्रेट होता है, या क्या मुतमईन है कि हमारे लड़के ने जो किया है वो देश के लिए, मुल्क के लिए, आवाम के लिए? रिग्रेट तो हम कभी नहीं करते, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हमें कोई पशेमानी नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा सही चीज़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, वो जालिमों के ख़िलाफ़ है, वो इन जो काले कवानीन हैं जो ये पास कर रहे हैं और उनको लागू करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आवाज़ आज नहीं बुलंद की जाएगी तो आगे आने वाले टाइम में सभी के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होगी। तो ये तो हमारे लिए बहुत एक तरह से प्राउड की बात है कि भाई हमारा अपना बच्चा भी उस उन में शामिल है जो उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को लगा रहे हैं, अपने करियर को उन्होंने क़ुर्बान किया है। मैम, अभी अगर हम लीगल एस्पेक्ट से बात करें तो क्या लगता है कि जो उनका केस है, क्या उम्मीद है कि जमानत हो सकती है या जो चार्जेज हैं वो? केस जो है वो तो पूरा का पूरा झूठ पर बेस्ड है, उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो बेसलेस हैं। ये क्योंकि एक्टिव थे CA NRC में, तो ये समझ लीजिए उसकी पनिशमेंट है जो हुकूमत की तरफ से उनको दी जा रही है, हम ये समझते हैं। और ये प्रोसेस भी जो है अदालत का, हम उससे अच्छी उम्मीद है हमको, लेकिन प्रोसेस भी पनिशमेंट की तरह है। इतना लंबा टाइम लग गया, एक समझिए कि एक 101 में उनको बेल हो चुकी है, और फिर ये जो 59 है इसके अंदर UAPA जिसमें शामिल है, इसमें जाहिर है कि बेल आसान तो नहीं है, लेकिन अब केस हाई कोर्ट में है तो हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से फैसला हमारे हक में आएगा। आज जैसे हालात है, ख़ासकर जुडिशरी की बात करें तो अभी हाल ही में जो CGI बने हैं उन्होंने गुजरात 2002 के सारे केसेस क्लोज कर दिए, बाबरी डेमोलिशन के सारे केस को, तो ऐसे में क्या लगता है कि जुडिशरी में जो फेथ है क्या वो रिस्टोर होगा, या आइडेंटिटी की बिना पे अगर उमर खालिद की जगह कन्हैया कुमार या अदरवाइज कोई भी होता तो उसका कुछ और वो होता निर्णय? देखिए, कहीं ना कहीं खौफ तो इंसानी फितरत है, कुछ वो आता है, लेकिन साथ ही साथ अभी हम पुरउम्मीद हैं, हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमको भी दे। तो अभी हमारे साथ उमर खालिद के वालिद जो हैं,
कासिम इलियास रसूल साहब भी हैं। सर क्या लगता है जुडिशियरी की अगर हम बात करें, खासकर आज जिस तरीके के डिसीज़न आ रहे हैं, चाहे वो 2000 जब से CGI जो बने हैं उन्होंने 2002 के भी केसेस बंद कर दिए, बाबरी मस्जिद के डेमोल, ऐसे में क्या लगता है कि उमर खालिद वाला जो केस है क्या उसमें इंसाफ हो पाएगा? देखिए असल में जुडिशरी जिस तरह के फैसले दे रही है, पहले हम समझते थे कि लोअर कोर्ट की हद तक मामला है, लेकिन अब हाई कोर्ट में भी और अब उससे आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के भी जो बास फैसले आ रहे हैं वो उससे लोगों को निराशा ही हो रही है। और देखिए किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जब आप स्टेट से कोई प्रॉब्लम पैदा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मसला होता है, तो हम जुडिशरी तरफ जाते हैं और हमें ये उम्मीद है कि जुडिशरी हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिवाइव कर देगी। लेकिन अब जुडिशरी में भी जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के अभी जो लगातार कई फैसले आए हैं, वो फैसलों से समाज में निराशा पैदा हो रही है कि भाई जुडिशरी भी अगर कंप्रोमाइज़ हो जाए स्टेट के ज़रिए से तो उसके बाद फिर बचता क्या है किसी भी डेमोक्रेसी में। लेकिन देखिए हमारा मानना ये है कि बिल हम समझते हैं कि जो लोग बेगुनाह हैं और उन पर जो चार्जेस लगाए गए हैं उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है सरकार के पास में। जितनी बड़ी चार्जशीट आप देख लीजिए उठाकर, 17,500 पेजेस की चार्जशीट है उमर खालिद के खिलाफ में, और उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी है, उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी लाने की बात हो रही है। तो इस सब के बावजूद भी कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, सब्सटेंशियल क्या भाई, कोई एविडेंस ही नहीं है। तो हमें ये उम्मीद है कि भाई जुडिशरी कितनी नाइंसाफ़ी करेगी, बिलाखिर समझ में आएगा ना कि भाई इनके खिलाफ है क्या सबूत। एक 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 स्पीच है अमरावती की जो वेलफेयर पार्टी के प्रोग्राम में दी गई थी, उस स्पीच को भी ये साबित नहीं कर सके कि उसमें कोई चीज़ एंटी नेशनल है। वो उसके अंदर गांधी जी का हवाला है, पीस की बात है उसमें, लोगों के अंदर लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा दिलाने की बात है। तो मेरा अंदाज़ी ख्याल ये है कि उमर खालिद को यानी जुडिशरी, हमारा मानना तो यही कि जुडिशरी के पास में कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से उमर खालिद की बेल रिजेक्ट हो। बल्कि बेल की क्या बात कर रहे हैं आप, हमारा तो मानना यह है कि केस ही ख़त्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि केस में कोई जान नहीं है सिवाय इसके कि आप उसको UAP लगाकर उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। क्या लगता है सर, क्या आइडेंटिटी की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है, या जो राजनीतिक डिसेंट की जो आवाज़ें थी, वॉइस ऑफ डिसेंट थी, उनको जो दबाने की कोशिश है उसमें उमर खालिद उसका शिकार है? उमर खालिद भी और वो सब लोग भी जो भीमा कोरेगांव में बंद हैं, दिल्ली दंगों में बंद हैं, वो सिर्फ इस वजह से बंद हैं कि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उन्होंने सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उन्होंने जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमको अपने एक्सप्रेशन का, फ्री स्पीच का हक हासिल है, डिसेंट का हक हासिल है, वो हक का इस्तेमाल किया था, इसकी वजह से ही वो जेल में बंद है। एक इशू तो यह है कि वो मुसलमान है और दूसरा इशू यह है कि उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, अपने हक का इस्तेमाल किया था। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर जो बेसिक राइट्स इंसानों को मिला है वो यही है डिसेंट का, यानी सरकार का विरोध करने का, सरकार के किसी फैसले का विरोध करने का। कोई भी डेमोक्रेसी मजबूत उसी वक्त होती है जब विरोध भी यानी विपक्ष भी मजबूत होता है। जब आप विपक्ष को कमज़ोर कर देंगे तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। सर एज ए फादर मैं जानना चाहता हूँ कि जब उमर खालिद का मीडिया ट्रायल होता है या UAPA जैसे चार्जेस लगते हैं, तो एज ए फादर आप क्या सोचते हैं, क्या रिग्रेट होता है, या जो हमारे बेटे ने किया वो सही था, अवाम की लड़ाई लड़ रहा था, कौम की लड़ाई लड़ रहे थे, देश के लिए लड़ रहे थे? देखिए पहली बात तो ये है कि उमर खालिद ने जो कुछ किया है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें हम रिग्रेट करें, कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि उससे हमारा फख्र सर फख्र से बुलंद होता है कि हमारे बेटे ने इंसानों की लड़ाई लड़ी है, मजलूमों की लड़ाई लड़ी है। और आप जानते हैं कि उमर खालिद ने तो अपना थेसिस भी झारखंड के ट्राइबल्स के ऊपर में किया है, तो उसकी पूरी लाइफ जो है वो पब्लिक को समर्पित थी। तो इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमको कोई रिग्रेट नहीं होता है, मीडिया चाहे कितना ही झूठ का पुलंदा फैलाए। आप जानते हैं कि 2016 में उस पर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगे थे, उसको कहा कि पाकिस्तान गया है, उसको कहा कि उसने इतनी सारी कॉलें की हैं कि एक मिनट में भी उतनी कॉल आदमी नहीं कर सकता जितनी कॉल उसमें बताई गई। तो वो क्या हुआ 2016, आज कहाँ गायब हो गया 2016? उस वक्त तो लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी उमर खालिद है, लेकिन आज वो चीज़ चलेगी बैकग्राउंड में। अब दूसरा इशू आ गया, ये दूसरा इशू भी ऐसे चला जाएगा।
देखिए मीडिया को ये समझना चाहिए, जो मीडिया इस तरह का बेबुनियाद प्रवंडा करता है उसको ये समझना चाहिए कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो लोगों का मीडिया पर से एतमाद ख़त्म हो जाएगा, लोग देखना बंद कर देंगे मीडिया को। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको गोदी मीडिया जो कहा जा रहा है वो गलत नहीं कहा जा रहा है, लोग उसको देखना बंद कर देंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मीडिया की अपनी क्रेडिबिलिटी भी उस वक्त बाकी रहेगी जब हमारे देश के अंदर वो सही बात दिखाएगा, सच बात दिखाएगा। सच बात दिखाना बंद कर देगा तो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। लास्ट सवाल, क्या लगता है उमर खालिद के जो केस है वो कहाँ तक पहुँचा है, कितने दिन में जमानत हो सकती है, जो भी उसका लीगल प्रोसेस है आस्पेक्ट उसके? देखिए इस वक्त तो आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में बेल का पिटीशन चल रहा है और उसमें जो है वो हमारा जो साइट था उसका आर्गूमेंट हो गया, हमारे यानी हमारे वकील ने अपना आर्गूमेंट कम्प्लीट कर लिया है। अब वो मसला सिर्फ ये है कि प्रोसिक्यूशन अपना टाइम ले रहा है, कितना वक्त लगाएगा मालूम नहीं वो, लेकिन प्रोसिक्यूशन के बाद ज़ाहिर है उस पर फैसला आना है, अब देखना है हमको क्या फैसला आता है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो ऐसे उमर खालिद जैसे तमाम मुस्लिम नौजवान हैं जो जेलों में बंद हैं, इसके अलावा दलित पिछड़ा आदिवासी ऐसे लोग हैं जिनके जो अंडर ट्रायल हैं, उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ है लेकिन वो फिर भी जेलों में हैं, तो जुडिशियरी पे लगातार सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से जस्टिस यूयू ललित ने जो बाबरी डेमोलिशन के केस बंद किए, 2002 के जो केस बंद किए हैं, उसके बाद भी जुडिशियरी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनहित आवाज़।